ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 7 भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। इन राशि वालों के कई कार्य सिद्ध होंगे। ये राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों के ऊपर ग्रहण की बहुत ही अच्छी शुभ दृष्टि है। ये राशियाँ आने वाले समय में कई प्रकार का सुख प्राप्त करेंगी। दोस्तों, जब ग्रहण की स्थिति बदलती है तो राशियों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, और जब हम उपाय करते हैं तो हमारे योग और ज़्यादा प्रबल बन जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाला हूं। ये उपाय आपको करने हैं, साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। इन राशि वालों के 4 कार्य सिद्ध होंगे। जो भी चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएँ हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आने वाला समय इन राशियों के लिए बहुत ही शुभ है। 2021 हुआ, 2022 हुआ, ये गए उनको भूल जाइए। उन सालों में इन राशि वालों ने कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आने वाला समय देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और मंगल और सूर्य की द्वारा, साथ ही बुध का शुभ सहयोग इन राशियों के लिए राजयोग लेकर के आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि के अंदर बहुत ही बड़ा योग है। गुरु बुध चंद्र और राहु, ये योग बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस राशि में ये योग हो वह राजा की समय व्यतीत करता है अपने जीवन को राजा की तरह। वाहन, मकान, गाड़ी, पैसा, संतान, हर प्रकार का सुख उनको प्राप्त होता है। तो मेष राशि वालों के 4 कार्य सिद्ध होंगे। सबसे पहला, पुत्र की प्राप्ति। दूसरा, व्यापार में उन्नति, कारोबार आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। तीसरा, मकान का योग, भूमि जायदाद किराए पर रह रहे हैं आप, सोच रहे हैं अपना मकान लेने की, तो शीघ्र ही आपका योग बनेगा। और चौथा जो कार्य है वह आपके नौकरी में प्रमोशन की। जो व्यक्ति मेष राशि वाले नौकरी करते हैं उनको अब प्रमोशन मिलेगा। ये योग बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरी जो राशि है वह वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। वृषभ राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, और आने वाला समय वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, नए व्यक्तियों से मुलाकात होगी, अच्छे व्यक्तियों से, जिसकी वजह से आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। आपके व्यापार के रास्ते प्रशस्त होंगे, साथ ही संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा, और बाहर जाने का योग भी है। तीसरी राशि है मिथुन राशि, बेहद ही भाग्यशाली, बहुत ही शुभ, हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुछ कार्यों में चुनौती भी आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति आएंगी जो आपके विपरीत हों, लेकिन आपको डट करके उनका सामना करना है, और जो भी कार्य करें पूरी श्रद्धा के साथ और सोच समझ करके कार्य करना है। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। चौथी राशि है सिंह राशि, जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। सिंह राशि वालों को संतान का सुख है, धन का सुख है, मान सम्मान बढ़ेगा, पुत्र प्राप्ति का योग है, साथ ही शरीर में भी आपके में लाभ मिलेगा। शरीर में कोई परेशानी चल रही है, कोई रोग चल रहा है, तो वह आपका दूर होगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह कन्या राशि। कन्या राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। कन्या राशि वालों के धन में परेशानी आ सकती है। देखो, धन के स्थान पर आपके पे केतु बैठा है, जो आमदनी क्षेत्र है, जहाँ से आपका अर्निंग होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, वहाँ पर किसी वजह से धन का नुकसान आपका हो सकता है। कहीं सोच रहे हैं आपके, भाई मैं बिजनेस शुरू कर दूं या अपना कारोबार शुरू कर दूं, तो पैसा एकदम नहीं लगाना है आपको, सोच समझ करके आपको पैसा लगाना है, थोड़े इन्वेस्ट से आपको शुरू करनी है शुरुआत। अगली जो राशि है, साथ ही संतान का सुख मिलेगा, और विवाह के योग हैं, जिनकी शादी में अर्चना आ रही थी उनके विवाह के योग बनेंगे। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वालों का समय काफी समय के बाद में बदला है। वृश्चिक राशि का भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो गृहस्थ फैमिली का भाव है बहुत ही अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि का, जिसमें ग्रहण की शुभ दृष्टि है, तो जीवन संगनी का आपको सहयोग प्राप्त होगा, साथ ही संतान का सुख प्राप्त होगा, और खुशखबरी भी आपको शीघ्र मिलने वाली है, कोई नया कार्य भी आपका बनेगा जो रुका हुआ था। धनुराशि, अगली राशि है धनुराशि। धनुराशि भाग्यशाली राशि है।
पुत्र का सुख, धन का सुख तथा बाहर जाने का सुख, भूमि जायदाद का सुख, कई प्रकार के योग आपके बने हुए हैं। दोस्तों ये समय आपका है अर्निंग का, आमदनी का, आमदनी आपकी बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी आपकी जो है, तो बहुत ही अच्छा समय है। अब आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, साथ ही संतान का, पुत्र का सुख भी आपको शीघ्र ही मिलेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव बहुत अच्छा है। पंचम भाव में गुरु और बुध चंद्र तीनों बैठे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। तो पहली हुई मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी सिंह राशि, पांचवी कन्या राशि, छठी वृश्चिक राशि, सातवीं हुई धनु राशि और आठवीं राशि हुई कुंभ राशि। ये आठ राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशि वालों की हर मनोकामना पूरी होगी। शरीर में कोई परेशानी है, आपका मकान का योग नहीं बन पा रहा है, धन का योग नहीं बन पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शीघ्र विवाह के योग नहीं बन पा रहे, साथ ही संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, टेंशन है जिसकी वजह से स्वास्थ्य में परेशानी आती है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा उपाय। देखो राशि फल आपने जान लिया, अब जो उपाय मैं बताने वाला हूँ ये उपाय आपको करने हैं। धन भी आएगा, घर में सुख शांति भी रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, घर में माता लक्ष्मी की फोटो रखनी है, मूर्ति या फोटो रखनी है, और शाम को प्रदोष काल में प्रतिदिन माता के सामने दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए, और पांच पीली कौड़ी लाकर के माता लक्ष्मी जी के सामने आपको रख देनी है। पांच पीली कौड़ियों पर हल्दी का टीका लगा देंगे, श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे, रेगुलर आप दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए, धन आना शुरू हो जाएगा। जिनको भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वो एक उनको क्या करना है, जो पीली कौड़ी है उसमें से एक पीली कौड़ी लेकर के मेला के कमर से बांध देंगे, उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। देखो अगला जो उपाय है, नियमित रूप से शनिदेव के सामने दीपक जलाना प्रारंभ कर देना है, या तो शनिवार की शनिवार या रविवार को छोड़ करके प्रतिदिन, वही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके और आपको एक कच्चा सूत लेकर के सात बार वहाँ पर लपेट देना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक करना है। तो ये उपाय आपको प्रारंभ कर देने हैं। जब भी अमावस्या आए पितरों के नाम से दान पुण्य करें, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर पर करें। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इन उपाय को करने से आपका समय बदलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों ये उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं, आपको ये उपाय जरूर करने हैं और आपके आने वाला समय बहुत जल्दी बदलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं आपको उपाय करने हैं, जो राशियां बताई ये राशियां बेहद ही भाग्यशाली, लेकिन उपाय सभी राशि वाले करेंगे, सभी की मनोकामना पूरी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भोलेनाथ भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।